क्या होगा अगर कोई इंसान आपको भूतों की दुनिया में भेज दे या फिर आपकी दुनिया को ही भूतों की दुनिया बना दे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही इंसान की कहानी के बारे में जिसने धरती को घोस्ट लैंड बना दिया, यानी भूतों की धरती। चाइनीज पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की शुरुआत एक बैंक रिसेप्शन के सीन से होती है, जहाँ एक छोटा लड़का मीठी गोलियों की बकेट लेके दौड़ता हुआ आता है। तभी वहाँ एंट्री होती है दो बैंक लुटेरों की, जो गन के साथ होते हैं और सबको जमीन पर लेट जाने के लिए कहते हैं। एक लुटेरा कैशियर के पास जाता है और पैसे बैग में भरने के लिए कहता है। तभी लुटेरे के साथ आया दूसरा बंदा गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वहां पे मौजूद सभी लोगों को गोलियों से छलनी कर देता है। दूसरा लुटेरा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है और वो दोनों गेट के बाहर फाइट करते हुए चले जाते हैं। गेट के बाहर जाते ही वो देखते हैं कि चारों तरफ से पुलिस ने उन पे बंदूकें तानी हुई है। लेकिन जब रॉबर खुद की तरफ बंदूकें तनी देखता है तो वो धुआंधार गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वहां खड़े सारे लोगों की मौत हो जाती है। अगले सीन में किसी तरह की जेल दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारी लड़कियां बंद होती हैं। तभी पहरेदारों के वहां से जाने के बाद सूसी सीटी बजा देती है। सूसी वहां के गवर्नर की मुंह बोली ग्रैंड डॉटर है। और दूसरी तरफ से बर्नीस और उसके साथ दो लड़कियां और निकलती हैं। असल में वो तीनों वहां से भाग रही होती हैं। बर्नीस भी सूसी की तरह गवर्नर की मुंह बोली ग्रैंड डॉटर ही होती है। लेकिन जैसे ही वो भागकर गाड़ी पर बैठती है, सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है और वो खुद को ऐसी जगह पे पाती है जहां सब कुछ खंडहर सा होता है। एक बड़ी सी घड़ी लगी होती है जिसकी सुई आगे बढ़ रही होती है। बर्नीस ये सब देख के डर जाती है और चिल्लाती है, मैं कैदी नहीं हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और एक कैदी बहुत बुरी हालत में बंद होता है जिसके दोनों हाथ बंधे होते हैं। तभी एक आदमी चिल्लाता है, गवर्नर आ गए, और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कैदी को गवर्नर के सामने पेश किया जाता है। ये कैदी कोई और नहीं वही होता है जिसने बैंक लूटा था। गवर्नर उसे बताता है कि उसने दो सिक्योरिटी गार्ड, तीन बैंक कर्मचारी और एक मासूम बच्चे की जान ली है। और आगे बताते हुए कहता है कि उसकी एक बर्नीस नाम की ग्रैंड डॉटर है जिसे तुम्हें बचा के लाना है, जो कि कहीं खो गई है। और गवर्नर उसे एक लेदर का जैकेट देता है जिसमें डिवाइस लगी होती है। और फिर गवर्नर उसे बताता है कि अगर तुमने दिए हुए समय में टास्क को पूरा नहीं किया तो ये कोट एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम फट कर मर जाओगे। अब रॉबर बुरी तरह फंस चुका था। वो बर्नीस को बचाने के लिए निकल जाता है। गाड़ी चलाते हुए वो रास्ते में कुछ लोगों को देखता है जो बहुत ही अजीब होते हैं। उन्हें देखते देखते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसे लोग कहीं ले जा रहे हैं, और जहां उसे ले जा रहे थे वो जगह बहुत ही अजीब थी। साथ ही साथ वहां के लोग भी बहुत अजीब थे। उन्होंने बेतरतीब तरीके के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें देख के ऐसा लगता था कि सालों से नहाए नहीं है। वहाँ रॉबर इन कॉप से मिलता है जो खुद को वहां के कैदियों का लीडर बताता है। रॉबर्ट उस लड़की की फोटो उसे दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, हाँ मैंने देखा है। असल में वो जगह कुछ और नहीं, घोस्ट लैंड होती है, जहां पर जिंदा लोगों को भी कैद किया जाता है। ये घोस्ट लैंड एक तरह का इल्यूजन होता है जो कि गवर्नर द्वारा बनाया गया था। रॉबर्ट अपने हाथ पे लगे माइक्रोफोन में बर्नीस को अपना नाम बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो बोल नहीं पाती है। तभी उसकी कोट में लगा अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की स्पीड तेज होती जाती है जैसे जैसे वक्त बीतता है, और उसके हाथ पे लगा एक्सप्लोजिव फट जाता है और रॉबर्ट बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो बर्नीस को अपने पास लेटी हुई पाता है। अलार्म फिर से शुरू हो जाता है। रॉबर्ट हिलने की स्थिति में नहीं होता। बर्नीस उसकी हालत देखकर उसकी तरफ भागते हुए जाती है और डिवाइस के माइक्रोफोन में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं रही होती है। जैसे जैसे अलार्म तेज होता है, बर्नीस और ज़्यादा जोर लगाती है बोलने के लिए, और वह आखिरकार अपना नाम जोर से चिल्लाती है। बर्नीस का नाम बोलते ही डिवाइस शांत हो जाती है, लेकिन वो बेहोश जमीन पर पड़ा रहता है। उधर गवर्नर लड़कियों से कह रहा होता है कि मैं ही तुम्हारा समय हूँ, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। इसी बीच एक आवाज़ आती है, गवर्नर के आदमियों ने उस लड़की को पकड़ लिया था जो लड़की बर्नीस के साथ शुरू में भागी थी। गवर्नर UC-0 का नाम लेता है और UC-0 उस लड़की का गला काट देता है। UC-0 एक सामुदाय तलवारबाज था
जो गवर्नर की सेवा के लिए प्रतिबद्ध था। उधर बर्नीस जब घोस्टलैंड में दोबारा पहुंचती है तो यूको अपनी कहानियां सुना रहा होता है। बर्नीस वहां जाकर कहती है कि हम सब मरने वाले हैं, जितनी जल्दी हो यहां से भाग चलो। प्रोफेसर उन्हें समझाता है कि घोस्टलैंड से बाहर कोई नहीं निकल सकता। तभी रॉबर्ट भी वहां आ जाता है। रॉबर्ट को देख के एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है, हमारा हीरो आ गया। रॉबर्ट सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से जोर जोर कहता है, कौन कौन चलेगा मेरे साथ। सभी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो प्लान करते हैं और रैट्स को बुलाते हैं। रैट्स घोस्टलैंड का ऐसा प्रिजनर होता है जो गाड़ियों के बारे में काफ़ी एक्सपर्ट होता है। वो टूटी फूटी गाड़ियों को सही करते हैं और रॉबर अपने टूटे हुए हाथ में एक तलवार लगाता है। रॉबर वहाँ के सभी लोगों को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और सामुदाय सिटी जहाँ गवर्नर रहता है वहाँ पहुँच जाता है। वो गवर्नर के पास जाकर अपना सूट खोलने के लिए उसकी चाबी मांगता है, क्योंकि अभी भी उसमें लगा एक्सप्लोजिव एक्टिवेट होता है। गवर्नर उसे चाबी देने से मना कर देता है और यूसी जीरो को बुला लेता है। गवर्नर के आदमी रॉबर्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सूसी वहां से भागती है और LMG गन से गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। वहां पे खड़े गवर्नर के सारे लोग मर जाते हैं। यूसी जीरो और रॉबर्ट की लड़ाई होती है। आखिर में रॉबर्ट यूसी जीरो को तलवार से काट देता है। गवर्नर वहां से लगता है। बर्नीस उसका पीछा करती है और गोली मार देती है और लगातार गोलियां चलाती जाती है जब तक कि गवर्नर मर नहीं जाता। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी में मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।